जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ परचेज्ड अ हेयर ड्रायर फॉर 5400 इंक्लूडिंग 8% वैट, फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वॉज एडेड। देखो, 5400 रुपये का एक हेयर ड्रायर है जिसके वो क्या है 8% का वैट वैल्यू एडेड टैक्स लग रहा है, जो कि इसके अंदर इंक्लूड है। मतलब ये 8% जो लग रहा है, जो 8% आया वह ले करके 5400 रुपये का है। तो मुझे वो पता करना है, फाइंड आउट करना है कि जब ये 8% वैट नहीं लगा था तब उसका प्राइस क्या रहा होगा। ठीक है, मान लेते हैं क्या करेंगे, सबसे पहले कि उसका प्राइस जो है कितना मान लेते हैं, 100 रुपये मान लेते हैं। ठीक है, 100 रुपये का अगर वैट 8% जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 100 और 8% 8 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 108। ठीक है, वैट लगने के बाद उसका प्राइस हो जाता है कितना, 108 रुपीज़ हो जाता है। ठीक है, चलिए, अगर 108 रुपीज़ अगर लगता है वैट के साथ, विदाउट वैट के 100 था और वैट लगने के बाद कितना हो गया, 108। अगर वैट के साथ अगर 1 रुपया है मतलब, तो यहाँ पे 100 डिवाइडेड बाई 108 हो जाएगा। ठीक है, उसका ओरिजिनल प्राइस, अगर उसका प्राइस 5400 ले रहा है तो 100 बाई 108 मल्टीपल में 5400। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या आएगा, 5000, ये आ जाएगा विदाउट वैट के साथ। प्राइस जो होगा वो कितना होगा, 5000 होगा। इसका मतलब है कि जो वैट लगा था वो कितना लगा था, 400 लगा था। ठीक है जी, अब हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। ठीक है, हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 10,800 रुपया फॉर 3 ईयर्स के लिए एट कितने पर, 12.5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। हमारा अमाउंट क्या है, प्रिंसिपल क्या है, यहाँ पे प्रिंसिपल हमारा 10,800 है। कितने दिनों के लिए है, 3 साल के लिए। आ कितने का रेट, कितने का लग रहा है, वो लग रहा है लगभग कितने का, 12.5% का लग रहा है। और ये कब लग रहा है, पर एनम लग रहा है, मतलब हर साल 3 साल के लिए, और ये कंपाउंडेड लग रहा है। तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे और यहाँ पे अमाउंट निकालेंगे कितना है। ठीक है, कितना होगा मेरा टोटल, चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हमें पता है कि प्रिंसिपल को पी से डिनोट करते हैं, जो हमारा कितना है, 10,800 है। अब यहाँ पे रेट कितना लग रहा है, कितना लग रहा है, टाइम सबसे पहले हम देखेंगे कितना है, 3 साल का है, 3 ईयर्स। ठीक है, रेट कितना लग रहा है, 12.5%, मतलब ये हो जाएगा 25/2%। तो हम इसको ये लिख सकते हैं ना, 12.5% भी लिख सकते हैं एज यू विश। ठीक है, हमें क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। अमाउंट के लिए एक फॉर्मूला होता है, पी इंटू 1 प्लस R/100। प्रिंसिपल कितना है, 10,800। ठीक है, 1 प्लस रेट कितना लगा, हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे 25/2। ठीक है, डिवाइडेड बाय 100। टाइम क्या लगा था, 3 3 साल, तो 3 आवर्स हो गया। ठीक है, ये अपनी जगह पे रहेगा, 1 प्लस से करते ये 25/100 2 हो जाएगा। ठीक है, 25 से 4 टाइम्स ये हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 प्लस कितना हो जाएगा, 1/8 ये हो जाएगा। चलिए,
1 0 800। देखो ये यहाँ पे जब 8 + 1 / 8 हो जाएगा, जब हम एलसीएम लेंगे 81 का, तो 8 ऊपर चला जाएगा और ये 1 उसके साथ प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 8 का पावर कितना हो जाएगा, 3। तो अब क्या करो, 9/8 थ्री टाइम्स है, इसलिए 9/8, 9/8 थ्री टाइम्स लिखेंगे। अब इसको जब हम क्या करेंगे, शॉर्ट आउट करेंगे, तो आप काट के देख सकते हैं 15,377.34 आएगा। ठीक है, बस यहाँ पे हमें फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत है कि जो अमाउंट को ए से डिनोट करते हैं, 1 + r 100 / n होता है ये फॉर्मूला। ठीक है, मतलब जो हमारा टाइम लगता है, इसको हम टाइम के लिए एन यूज करते हैं। ठीक है, अमाउंट के लिए ए और प्रिंसिपल के लिए पी यूज करते हैं, रेट के लिए आर यूज करते हैं। ठीक है, इतना मुझे याद रखने की जरूरत है जी। तो यहाँ पे हो गया, अब मुझे निकालना था क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, जो अमाउंट होता है वो और जो प्रिंसिपल, उससे माइनस करते हैं हमारा।